What's up guys, my name is Rohan and I'm sitting with a friend of mine today. His name is Rashmil Vaidya. He is the owner of Insane Strokes and a street artist. So, what's up buddy? What's happening? So, kya kar raha hai aajkal? Yaar, paint kar raha hai, project chal raha hai chota sa. Okay. No, just one thing. Just increase your volume. Keep the recording. Okay. Just loudly. Okay, so tell me about you. क्या बात है आजकल? रश्मि वैद्य 26 साल. Okay. ठीक है. पेंट करता. हाँ. इस सामने से बिलोंग करता. Okay. डैड मामा आर्टिस्ट है. आर्टिस्ट है. Okay. ऐसा है डैड. तो क्या करते हैं वो? अरे व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट हो जी? रंगोली आर्टिस्ट है. Interesting. मॉम वी हैव अ स्कूल इन बॉम्बे नर्सरी प्ले ग्रुप नर्सरी है. Okay. सो वी रन अ स्कूल इन गोल्ड. सो फैमिली आर्टिस्ट है. So you have come from a very intellectual background, bro. You can't say this. I don't know. You can't say this. And 3 years ago, I was an artist. Basic star life. So we talk about it, but 3 years ago, I had Insane Strokes. And before that, life was different. So now, in Insane Strokes, we paint. We paint, we collaborate with different artists. Okay. We paint mostly on streets. अपना मेन कॉन्सेप्ट है वो वर्किंग ऑन स्ट्रीट्स स्ट्रीट लेवल पे काम करना है ऑन अ वेरी गुड स्केल. ओके. तो वही कर रहे हैं. फिर कैफेज के लिए क्लाइंट है, लाइक कमर्शियल क्लाइंट है. वी पेंट रिसेंटली वी पेंटेड इन सेंडम कॉलेज, बॉम्बे का फर्स्ट कॉलेज जिसने ग्रेफिटी करा है. वहां का हमने कुछ काम वाम करे. तो वहां पे मेरे काम वहां के पेंटिंग है. सो गाइस, वी विल बी शोइंग यू दोस पेंटिंग इन सम टाइम. But before we can go there, I want to know what other projects he had worked in the past and where he has worked in the past. Bombay se start kara bro. Himachal pe kaam kare. Lovely. ठीक है. Himachal में cafes paint करे. Himachal में community painting करी है. Himachal में कौन-कौन से अदर स्ट्रीट्स में हुआ? हमने तोश में काम करा है. तोश वाली. फिर पार्वती सॉरी कुटला. देन यू कैन कम टू धर्मशाला, वहाँ पे हमने काम करा. सो देन हमने लेकिन बॉम्बे से हिमाचल कहाँ गए? फ्रेंड्स है काफी अच्छे. अच्छा. तो बुलाते कोई क्लाइंट्स है. ओके. तो बुलाते बोले भाई काम करना, थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे. वी आर डूइंग इट गुड नाउ. बिजनेस स्टार्ट हो गया ब्रो 3-1 साल से. काम अच्छा है. तो काम सुधार रहे. इतना भी ऐसा हाई फोन टू काम नहीं है, बट देखो अच्छा रहेगा. सी एज लॉन्ग एज देयर इज अ डेवलपमेंट, इट इज गुड. डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऐसे कोई कमर्शियल टच नहीं है, बट कमर्शियल काम कर सकते. ओके. लवली. ओके. और सेकंड चीज मैं जानना चाहता था अबाउट योर वर्क इन टर्म्स ऑफ बॉम्बे. बॉम्बे में तूने कहां-कहां पे काम किया है? आई वांट टू शो माय व्यूअर्स कहां-कहां पे काम किया है और कहां-कहां पे काम करने का एम है. बॉम्बे में फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था अपने पास? थाना में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था. बॉम्बे में बीच में हमारे स्टेशन हमारे शाम गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का. वहां पे सबसे पहले बार अपन ने काम फिट करा थाने स्टेशन पे. ओके. और उसी के बाद ईस्ट में थाने ईस्ट में ईस्ट में डेपो के पास स्टेशन के बाहर लाइक वंस यू एंटर थाना स्टेशन ईस्ट से तो लेफ्ट में बड़ी वॉल है. ओके. लेफ्ट ब्लू कलर का पेंटिंग है. सो वहाँ से काम स्टार्ट हुआ था. और बॉम्बे में भी काम ब्रो अभी काफी स्ट्रीट आर्ट अपन ने काफी करा है. और वही अपना एक मेन फंडा है. और वही वहाँ से अपन लोग पहचानते हैं कि ये स्ट्रीट आर्टिस्ट है. पोर्ट्रेचर जो क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आई फील मतलब एज ए आर्टिस्ट नहीं एज ए ह्यूमन आई फील कि तूने एक खतरनाक सा बड़ा पोर्ट्रेचर बना ऐसा मेरे को लगता है. और एक शब्द सा मैसेज दे दी तो पब्लिक को हिट करेगा. और स्ट्रीट आर्ट एक हिटिंग है, एक टर्म है, एक रिवोल्यूशन है खुद के अंदर ही. कि पोर्ट्रेट नॉट अ पोर्ट्रेट मतलब कुछ भी बट एक मैसेज. सी व्हाट आई हैव द काइंड ऑफ परसेप्शन दैट आई हैव इन माय माइंड इज द ग्राफिक्स पार्ट. एनी काइंड ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग दैट हिट्स पीपल द मोस्ट रादर देन द वर्ड्स दैट आर मेंशन.
However, yes, the words are important, both, but the graphic representation is very important. Yeah, like, I feel both. If you have a portrait, dala, to it is only a mural. Yeah. If painting, a street art, a graffiti, a gun. Hmm. A message. If one line, two line, and you're done. Bro. There are jo motto hai behind that artwork. Hmm. You portrait, kara, you have kuch likha. Aisa mere ko lagta hai. So in that terms, एक बात बता कि when it comes to your particular art, mm-hmm. what kind of message are you trying to put? Social, क्योंकि वही theme पे हमने काम start करा था पहले थाना में. Okay. और धीरे-धीरे वही करना चाहते हैं और youth scale पे करना चाहते हैं. तो like वो किसी भी medium में हो like लेकिन और street से चाहिए. Like, to kisse bhi kar, oil shaker, acrylic shaker, to paint, any fucking thing, but to ek message drop karna hai. This is what I feel. No, as in, what kind of messages are you willing to portrait? Or, I portrait, jo maine karta, jo portrait kara maine, uske upar maine like, motherhood, safe woman, justice for Asifa, phir baad mein abhi, I tell you, Gauri Savant. Hmm. Gauri Savant is a transgender mom. Hai. She is a trans mom. Okay. Unke upar humne kaam kara tha. Like, ek kaita maine video dekha tha unka. To uske baad maine like I was pretty much so approach kaise kiya. Approach kaise kara matlab 4 din pehle video dekha aur 5ve din I met her in Masjid Banda station. Aisa like God's grace apne mein dua bolte apne mein blessings bolte. So, 5-6 days before I saw her on that video and 6th or 5th day, I met her at Masjid Banda station and then I talked to her permission like, to paint someone, you have to take a permission because she was a public figure at the time. But one thing, why did you find her a public figure? Or what, as in obviously the audience would like to know who that lady is. She is a transgender though. Okay. You can say kinder upon Marathi mein kinder bol. Hmm. Zara you can say. Theek hai. But wo level hai na, wo kafi huge hai. Matlab next level cheez hai. You should see on YouTube his videos and all. So you like to know like kya hai wo banda? Kya hai wo banda? I don't know what is. But jo insaan hai, wo bada khatarnak. So what does she do? She is running. And there must be something that NGO now. She is running NGO Sakish Arsal. Then Hamsafar Trust. Okay. They works mostly on sex workers and transgenders. And recently, unhone wapas ek bachcha adopt kiya. She came in form when she adopted a chick. Ek badhi bachchi ko usne adopt kara tha. Aur uske baad unhone ek aur baby ko adopt kara. And now she is doing it for the third time. So transgender okay, she is a mom. Getting it? Matlab wo feeling hai wo andar se. Yeah. तो वही सीनर वही देख के अपने को लगा था हाँ कि कोई नेक्स्ट लेवल थिंग है इनमें बड़ा भयंकर चीज तो देखो अच्छा वो लाइक अभी सर आज अब सर एक बात बता टेल मी अबाउट योर लाइफ एंड व्हाट मेड यू गेट इनटू इंसेंस व्हाई या इंसेंस व्हाट मेड यू गेट ब्रेक डाउन हाँ एवरीथिंग तो can you tell me I would want my viewers to know what exactly is there that made you get into the insane shows, this whole concept, this whole painting or this as a profession? Pop-ups, first thing, breakdown, second. Elaborate on that. Pehle wali, addition, का जो फेस था वो अच्छा था मेरे लिए बाकी के लिए एडिक्शन आर इन व्हाट एवरी एडिक्शन ब्रो लाइक माइंड के बाद गलत लाइफ में घुसा ओके तो माइंड सी आई वांट एवरीवन टू नो व्हाट योर लाइफ इज और व्हाट योर लाइफ वाज लाइफ इज नाउ प्रे एंड स्लीप अपी एंड व्हाट वाज बिफोर चिल एंड पिल ओके So, elaborate on that. Let people know what your life was. And life was what made you get into this whole, this beautiful concept of insane shows?
पहले बारे लाइक स्कूल से लाइक नाइन्थ में फेल, ठीक है, नाइन्थ में जीरो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो जीरो फिर लाइक फुल ईयर का टोटल वाज 47 150 रहा था, पता नहीं रहा जॉब 47 स्कूल से निकला और सीनियर दोस्तों को मिला, कॉलेज स्टार्ट करा नहीं फिर 10 पास हुए, हाँ 62%, ठीक है, नाम खराब हो गया, तो आर्टिस्ट है तो इनके से नाम काफी अच्छा है गाँव में काफी ज्यादा, तो टीचर का बंदा है चर्ची हो गया, घनचेड़ी हो गया, और ये फैक्ट था क्योंकि पीता भी था दिखता भी वैसे था, तो काफी सुधर गया था चॉकलेट वॉकलेट एकदम ऐसा चॉकलेट स्टिक था, ठीक है, तो फिर बाद में वही फिर बेसिक्स था, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नहीं कर रहा, खाली नशा करा था, BMM करा, 4 से 5 कॉलेज चेंज करा, पहचान से एडमिशन मिल जाता, लेकिन वहाँ पर ड्राइवर स्कॉट हो पे तो वहाँ से ड्राइवर एग्जाम बैठने दिया, तो वहाँ से भी लिखा रहेगा लव लाइफ की चालू की अच्छी खास, फिर बाद में कोई मतलब नाम खराब है, टीचर का बंदा ऐसा है वैसे, गार्ड वाले काफ़ी सपोर्टिव, गार्ड ने काफ़ी ट्राई करा काफ़ी सुधारने के लिए, लेकिन सुधार ही नहीं आता मतलब, क्योंकि वो अंदर से वो नहीं था, स्पार्क नहीं था कि सुधारना है करना है, फिर बाद में वही जैसे फिर बाद में अष्टुकम थाने इतना फ्रेंड्स नशा से था, जब भी मेरी फ्रेंड की खुशबू ठाकुर बन गई उसने लोगों को नाम दे दिया इनसे ही, व्हाट हैड हैपेंड फॉर बी गुड टू कॉल यू, हाँ तो लाइक घर पे लाइक झगड़ा हुआ था, तो फिर बाद में इंटेंस था लेकिन काफी मतलब मैं तो अपर नेगेटिव रहा, मैं तो काफी पॉजिटिव हो गया, मतलब मेरे शरीर में तो पॉजिटिव हो गया, मतलब इतना लाइक अपना भी प्यारा है, मेरे को नेगेटिव था, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ माई फैमिली अंकित, मतलब जो मेरा अप्रोच था वो एकदम नेगेटिव था, बुक्स भी एकदम गलत गलत बुक्स पढ़ता था, लाइक स्टूडेंट बुक्स ऑन अंडरवर्ल्ड ऑल एंड ऑल, तो बुक्स का जो वो था वो भी अलग ही था टेस्ट, तो फिर बाद में चल रहा था मतलब ऐसा, फिर बाद में हाँ घर पर झगड़ा हुआ, इससे झगड़ा हुआ अंकित से, तो गुस्सा था फ्रस्ट्रेशन था, आई गो टू सलून अंदर वहाँ से ब्लेड लेके मैं हाथ से खींच देता, तो आई गेट सम 5 to 6 स्टिचेस, मैंने अच्छा कुछ टाके के साथ, तो फिर बाद में शाम को वापस गया थाना है, आई शुड ट्रैवल बिफोर द थाना, तो उसको दमन लगा थे हम लोग, मजा भैया मेरे को नाम मिला इनसे जिन आई स्टार्टेड का, तो एक छोटा सा मैंने स्टार्ट करा बन, तो अभी आर्टिस्ट है काफी 4-5, 5-6, 7-8, अभी जो जो आता है काम करता है साथ में वो मेरी फैमिली है, सिर्फ काम करना है, As in, it's not easy to
इट इज नॉट इजी दैट आई डोंट नो बट एक सोच है क्या ओके तो अभी अभी एक बात बता हाउ डिड यू कम आउट ऑफ योर एडिक्शन बिकॉज इट्स नॉट इजी Usually, people take a long time to get out of it. Some guys need rehabilitation. Some guys need some support. What gave you that that motivation or that? Motivation is like there was no such motivation. That like uncle and everything, yeah. So like he took me to a darga. Okay. तो हम महाराष्ट्र आउटस्कर्ट्स में गए थे तो वहाँ पे एक फकीर को मिलता हूँ काले ब्लैक एंड ब्लैक के पहले फकीर वो जी फकीर से आवाज ठीक है जब मैं से अच्छे से मेरे बड़े से फकीर को मिलता हूँ मैं और आई टॉक टू हिम मैं उनसे बात बात करता हूँ कि This is my problem. Addiction was not my problem. My problem was I was very negative. I wanted to end up my life. Frankly बता रहा हूँ क्योंकि नाम वाम बहुत खराब हो गया था भाई घर वाले भी मतलब सपोर्ट तो काफी था अभी भी है जब भी था हमेशा रहेगा पेरेंट्स है मेरे ठीक है बट जो मैं था वो सबसे बड़ा छूट गया था ठीक है तो वही था कि यार मतलब सुधरना है बहुत नाम खराब हो गया था गर्लफ्रेंड भी थी उसके भी एंड से शी वॉज गुड लेकिन उसके पेरेंट्स के एंड से हो नहीं था तो आई वॉज लाइक हो जाएगा अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा मैं ट्राई कर रहा था लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट एडिक्शन से ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं करा शी कॉट मी काफी टाइम डूइंग ड्रग्स एंड ऑल लाइक लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स आई वाज इनटू हेरोइन यार सब ड्रग्स को खाली दारू कम पीता था बाकी उधर से नशा काफी कर रहा था बेसिकली दारू का जितना भी कम पीता था वो सब बाकी सब मैं हाँ दारू मतलब हजार में नहीं थी वजह से तो लाइक नशा काफी ज्यादा हेरोइन था पेन किलर्स था कफ सिरप्स था केमिकल्स था समझ ना सकते क्या क्या खाएगा क्या क्या नहीं तो एडिक्शन वैसे था फिर हाँ वो फिर एक फकीर का मिलता हूँ एक फकीर का उन फकीर का मिलता है आई टॉक टू हिम तो बात करते करते वो मेरे को ना एक फोटो दिखा दे दो उनके फोन में कि तू ये बनेगा ये बनेगा एक में एक बंदा था जिसने ब्लेजर वेजर पहने और एक नॉर्मल इंसान था तो ये बनाऊंगा लेकिन वो भी डिफरेंट है लेकिन मेरे को दो खाली मैंने बात करा था उनसे जब बात करा मैंने और बात हुई थी कि तू ऑफिसर बन रहा है लाइक यू आर ऑफिसर तू ये सब मत कर ये सब हम लोग का नशा है तू अच्छा बन सर्व योर फैमिली फैमिली भी काफी अच्छी मतलब अच्छी है फिर मैंने भी सोचा कि बंद कर दू और फ्रॉम दैट डे मेरे लाइफ का जॉइन और मेरी लाइफ का एक ग्लास दारू मतलब मैं उनके साथ गया पति के साथ तो फिर बाद में वो फकीर का इम्पैक्ट ब्रो मेरे लाइफ में काफी ज्यादा है क्योंकि अगर मैं वो फकीर को नहीं मिलता तो लाइक तू मेरे को नहीं मिलता ना मैं तेरे को मिलता मतलब वो है कि इसलिए मैं मतलब वो है मेरे पेरेंट्स का ब्लेसिंग है ब्रो क्योंकि माय डैड माय मॉम उन्होंने काफी ट्राई करा बेटा सुधर जाए मेरा लेकिन कभी नहीं सुधरा क्योंकि यार मतलब डैड मॉम माय मॉम माय डैड दे शुड प्रे अ लॉट फॉर मी ये सुधर जाए लेकिन नेवर लाइक बुलशिट कभी सुधरता ही नहीं फिर बाद में एक्सीडेंट हो था मेरा लाइक आई वाज गोइंग टू शिरडी हां वो टाइम पे ऐसा था ब्रो कि आई यूज्ड टू अब्यूज गॉड बिफोर गेटिंग लाइक बिफोर स्पिरिचुअलिटी में जाने के पहले आने से पहले कि मैं एथिस्ट हो गया था क्योंकि आई वाज गोइंग शिरडी और शिरडी ऐसे जैसे एक्सीडेंट होते आई एम फील्डिंग और मेरे पैर में प्लेट चली गई थी वो टाइम पे लाइक आई हैड पीपल विद मी लेकिन मैं खुद अलग था क्योंकि क्या बताऊँ गांडू बन जाता भाई ऐसा हो गया था ऐसा मतलब ऐसा बड़ा सी बेसिकली यू हैड गॉन स्टूपिड बिकॉज़ ऑफ इट या लेकिन हैंडसेट मतलब नाम की मार छुपी नहीं छुपी पैसे की अलग और सब चीज से एकदम फुल
ऐसा सीन अभी एकदम खुल गया ब्रो, लाइक सीरियस गुड ना, अभी प्रे करता हूँ, काम करता हूँ। अभी तेरे एम्स क्या? एम्स ऐसा कोई एम वेम तो है भाई, एक अच्छी लाइफ जीनी है। लेकिन तुझे कुछ इंस्पिरेशन होगा लाइफ में, कुछ करने का कुछ टारगेट होगा? यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ गोल इन योर लाइफ। नो गोल से ओके, अभी फिलहाल तो लाइक स्टार्टअप है ब्रो, जैसे चलूंगा आगे 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 कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, और अपना सब काम ब्लेसिंग से चल रहा है। अगेन कि अपना काम ब्रो ब्लेसिंग से चल रहा है, क्योंकि फ्रॉम जीरो टू ईयर नॉट ईयर मतलब फ्रॉम जीरो टू एनी वेयर, तो कुछ भी कर तेरे को ब्लेसिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी अच्छा अभी एक बात बता, तेरे अजन तेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? प्रोजेक्ट्स फिलहाल तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी, चंबल गोवंडी के बीच में, और पुष्कर पहले अजमेर जाऊँगा। ओके, फिर अलोन, फिर पुष्कर, अजमेर कोई काम के लिए जा रहे हैं? नहीं ऐसे ही घूम रहे हैं तो फिर तीन चार दिन का प्लान है, और बाकी तो तीन दिन का स्टूडेंट है। आई वन कंटेंट पुश कर नेशनल फ्रेंड आउट है, कुछ बहुत बहुत देखे रखे हैं। एक्चुअली मैं पुश कर में गया था अबाउट लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक इट वाज अबाउट 8-9 इयर्स बैक। उस वक्त आई वांटेड टू बाय अ नाइट देयर, आई हैड फाउंड अ हंटिंग अभी तेरा एम क्या है, तेरा प्लान्स क्या है? एम ब्रो कुछ नहीं, एम फिलहाल अच्छा रहना है, अच्छा है करना लाइफ में कुछ ना कुछ। पुष्कर के आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट है? पुष्कर के आगे आई एम इन टॉक्स विद सम पीपल अराउंड स्ट्रीट आर्ट के लिए बॉम्बे में, देयर आर सम एजेंसीज नाउ जो अभी ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, और 3-1 साल के बाद स्ट्रीट आर्ट बॉम्बे में काफी बूम हो, और स्ट्रीट आर्टिस्ट नहीं मतलब my viewers, what is your Instagram ID, your Facebook handle, and if you have Twitter or any other social media? Insta it is extreme insane, it's X, and on Facebook it is insane strokes. So it is extreme. Yeah, extreme insane on Instagram. Extreme insane. Yeah. And on Facebook it is insane strokes. Okay, great. And I hope you have an excellent life, bro. And okay. I hope I get to see lot many projects from you. Guys, by the way, we will be showing you some of his work, some of his artwork in the link below. You can check them out. You can go on his Instagram, go on his Facebook. You can check all his work there. In case you have any other task like that, you can just send him a direct message. You can email him if you want to give the email address as well. insanestrokes@gmail.com. So just email him on insanestrokes@gmail.com. You can send him a direct message on Instagram. You can send him a message on Facebook, and he'll get back to you about it. Yeah. Sure. Thanks, bro. And I hope I get to see you again. Cheers. Take care, guys. Bye.